क्वेश्चन नंबर इन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर के सी एंड के पी फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस ब्लू विट्रोल स्टूडेंट्स ब्लू विट्रोल हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को इस डीप ब्लू सॉलिड कॉपर टू सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज हीडी टू ड्राइव ऑफ वाटर वेपर्स टू फॉर्म सॉलिड वाइट कॉपर टू सल्फेट और नंबर टू है द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गैशियस फॉसफोरस ट्राईक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमने इसके लिए के और के की वैल्यू लिखनी है हमें वर्बली उन्होंने मैंशन किया हुआ है कि ये वाला रिएक्शन है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप ब्लू वेट्रोल को हीट करेंगे तो वो अपनी वाइट स्टेट में चली जाएगी जो कि एमोफस होगी या अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर लेगी उसका कलर चेंज हो जाता है इनटू वाइट अब क्या होगा कि आप उसके लिए जस्ट उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट वाटर वेपर्स को मेंशन कर रहे होंगे जैसा कि आपने किया हुआ यहाँ पे और पार्शियल प्रेशर को जब इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये भी आपके सामने मेंशन है इसके अलावा स्टूडेंट्स डीकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड फॉसफोरस पेंटाक्लोराइड टू गैशियस फॉसफोरस ट्राईक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस रिएक्शन आपको पता चल गया अब सॉलिड्स क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है आपने मेंशन किया कि द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड पेंटाक्लोराइड तो सॉलिड्स को क्योंकि आप मेंशन नहीं कर रहे आपके पास जो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड है वो और क्लोरीन दोनों गैशियस स्टेट में है ये भी उन्होंने मैंशन किया हुआ है तो अब के और के उसके अकॉर्डिंगली मैंशन कर रहे हूँ